नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारा यूट्यूब चैनल में आपका बहुत सारा स्वागत है। मेरा नाम है गोपाल। तो दोस्तों, मैं एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हूँ कैमरा, और एक हाथ में ये वाला मोबाइल पकड़ा हूँ, ठीक है। तो दोनों हाथ बिजी है क्योंकि स्टैंड नहीं है दोस्तों। और दोस्तों, मैं अभी घर में नहीं हूँ, दूसरे शहरों में हूँ, काम के लिए आया था, ठीक है। चेन्नई में हूँ, ठीक है दोस्तों। मेरा जो घर है वो वेस्ट बंगाल है, और अभी मैं चेन्नई में हूँ। तो वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो बना के अपलोड करने की। तो इस तरीके से दोनों हाथ में मोबाइल पकड़ के मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों ये इमेज क्रॉपिंग का। ये एक प्रोजेक्ट फाइल है दोस्तों। इमेज व्यू को आप राउंड शेप में या स्क्वायर शेप में आप क्रॉप कर सकते हैं। और दोस्तों, नीचे की तरफ आपको बहुत सारे मेनू मिल जाएगा, पूरा एडिटिंग करने का मेनू मिल जाएगा। आप इमेज को रोटेट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ से आप रोटेटिंग कर सकते हैं इमेज को, ठीक है। और दोस्तों, हम क्रेडिट देते हैं, आप इन्हें सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, पूरा फुल सपोर्ट कीजिएगा ये प्रोजेक्ट फाइल के लिए दोस्तों। यहाँ पर जो है ना, इंटरनेट कनेक्शन स्लो है दोस्तों, नेटवर्क स्लो है, आप देख सकते हैं, टावर ही नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, ये रहा प्रोजेक्ट फाइल, आप देख सकते हैं बहुत सारे काम आप इसमें कर सकते हैं। पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट फाइल है वो, ठीक है। कोई भी एरर नहीं है दोस्तों। अगर एरर आता है तो आप उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं दोस्तों, वो मैं आपको बताऊंगा। आप रिजल्ट देख सकते हैं, इमेज को सेव कर सकते हैं अपने डिवाइस में दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों, अगर आपको इस तरह का एरर देखने के लिए मिलता है, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, अगर आपको इस तरह का एरर्स, ठीक है, देखने के लिए मिलता है जब भी आप प्रोजेक्ट फाइल को रन करते हैं, तो आपको कैसे सॉल्व करना है दोस्तों। आपको सॉल्व करना इजी है दोस्तों। आपका ये जो लाइब्रेरी है ना, लोकल लाइब्रेरी है दोस्तों, ये शायद आपका मिसिंग होगा, या अगर यहाँ पर है तो इसका कुछ फाइल्स मिसिंग होगा दोस्तों। तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ से डिलीट कर देना है दोस्तों, ठीक है। और नया आपको डाउनलोड करना है। नया आपको कहाँ से डाउनलोड करना है दोस्तों, क्या होता है ना, बहुत बार हम स्केचर प्रो में जो प्रोजेक्ट फाइल को इंस्टॉल करते हैं, सॉरी, प्रोजेक्ट फाइल को जो हम इंपोर्ट करते हैं ना, तो उस दौरान सही से जो लाइब्रेरीज होता है ना, वो सही से इंपोर्ट नहीं होता है दोस्तों। सही से नहीं होता है, जिसके कारण हमारा प्रोजेक्ट फाइल में एरर आता है दोस्तों। तो इसका पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद कॉन्वर्ट लिखा हुआ है, ये जो पूरा लाइन है दोस्तों, इसको आपको कॉपी कर लेना है, पूरा का लाइन को आपको कॉपी कर लेना है। एक मिनट, हाँ, कॉपी कर लेना दोस्तों। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, आपको दोस्तों गूगल में आना है। गूगल में आने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको, ठीक है, उसको दोस्तों पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये देखिए, इस तरीके से दोस्तों आपको पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद सबसे पहला जो वेबसाइट निकल के आएगा दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर दोस्तों जो है ना, आपको एक लिंक मिलेगा, लाइब्रेरी का लिंक, आपको उसको कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एग्जांपल आपको दिखा रहा है, यहाँ पर दोस्तों ये उसी का ही है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको कोडिंग वगैरह मिल जाएगा। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए ना, तो ये आप वेबसाइट में विजिट कीजिए। ये जो है, ये इसी का ही सोर्स कोड का इस्तेमाल करके प्रोजेक्ट फाइल बनाया गया है दोस्तों। ये जो डिपेंडेंसी लिखा गया है ना, API, इसको आपको दोस्तों कॉपी कर लेना है, इस तरीके से कॉपी कर लेना है दोस्तों। और बाकी का जो चीज़ें हैं दोस्तों, अगर आपको एंड्रॉयड स्टूडियो के बारे में, जावा कोडिंग के बारे में पता है, तो आप यहाँ पर ज़्यादा जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। ये प्रोजेक्ट फाइल का रिलेटेड, ये उसी प्रोजेक्ट फाइल ही है दोस्तों जो गिटहब में है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सीधा डाउनलोड कर लेना है दोस्तों। डाउनलोड कैसे करना है दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ, मेरा मोबाइल थोड़ा सा हाथ ऐसा हिल रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों हाथ हिल रहा है, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा आपको दिखने के लिए मिलेगा। और दोस्तों, यहाँ पर आपको जो प्लस का आइकॉन है ना, उस वहाँ पर आपको क्या लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, क्या लिखना है वहाँ पर। देखिए, यहाँ से आपको कट कर देना है दोस्तों, ठीक है। और जो प्लस का आइकन है ना, वहाँ पर आपको क्या लिखना है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। आपको ये वेबसाइट में आना है दोस्तों, और यहाँ इसका जो लेटेस्ट, ये देखिए, लेटेस्ट लिखा हुआ है ना, 2.8.0,
तो यहाँ पर इसी लेटेस्ट वर्जन का ही आपको इस्तेमाल करना है। तो 2.8.0 आपको लिखना है यहाँ पर, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। हाँ, यहाँ पर प्लस को कट कर देना है और जीरो को इंटर कर देना है, उसके बाद स्टार्ट का ऊपर क्लिक कर देना है दोस्तों। तो ये दोस्तों आप देखिए, ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए डाउनलोड हो गया दोस्तों, ठीक है, ये डाउनलोड हो गया। ये देखिए, ये ऑटोमेटिकली टिक हो गया। आपको इसको डिलीट कर देना है यहाँ से दोस्तों, इसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर स्क्रॉल करके देखना है ये चेक मार्क है या नहीं है। अगर चेक मार्क नहीं है तो चेक मार्क कर देना है, अगर चेक मार्क है तो कोई बात नहीं दोस्तों, ठीक है। आपको यहाँ से डाउनलोड करना है, यहाँ से इस तरीके से आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। चेक मार्क है तो अच्छा है दोस्तों, उसके बाद आपको सेव कर देना है। सेव ज़रूर कीजिएगा, उसके बाद दोस्तों आप इसको रन कीजिएगा तो आपको कोई भी एरर का सामना नहीं होगा। अभी आपका प्रोजेक्ट फाइल एकदम फाइन तरीके से, अच्छे तरीके से दोस्तों आपका जो है ना वो बिल्ड कंप्लीट हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप उसको इंस्टॉल करके दोस्तों देख सकते हैं। और दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट फाइल है ना, मैं ये प्रोजेक्ट फाइल को वीडियो का डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा दोस्तों, ये क्रॉप इमेज का प्रोजेक्ट फाइल को आप इसे ज़रूर डाउनलोड कीजिए दोस्तों। बहुत कुछ नया चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेगा। और दोस्तों मैं फिर से माफ़ी चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि मेरा दोनों हाथ जो है ना हिल रहा है, जिसके कारण आपको वीडियो देखने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इस तरीके से ज़्यादा शेक करेगा ना तो थोड़ा सा दिमाग कैसा, वीडियो देखते टाइम थोड़ा सा आँखों में जोर देना पड़ता है, थोड़ा सा दर्द होता है ना। तो ये देखिए, आप यहाँ से इमेज को पिक कर सकते हैं, जो भी इमेज को आप क्रॉप करना चाहते हैं अपना फाइल से दोस्तों, यहाँ से पिक कर लीजिए। तो दोस्तों मेरे पास ये एक बाय डिफ़ॉल्ट इमेज मेरा गैलरी में पड़ा हुआ था, उसी को ही मैंने सिलेक्ट किया है। आप यहाँ से इस तरीके से दोस्तों आप देखिए, ये ऑटोमेटिकली जूम इन जूम आउट कर ले रहा है दोस्तों, ठीक है। आपको जितना आपको चाहिए, जो भी ऑप्शन आपको चाहिए, आप इस तरीके से दोस्तों जो है ना, ये देखिए, ये उसको जूम इन जूम आउट कर लेगा। देखिए, देखा आपने दोस्तों, ऑटोमेटिकली काफ़ी अच्छे तरीके से। देखिए, अगर आपको मतलब मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है करने में, ये देखिए, ये उतना ऑप्शन को ये जूम कर लेगा। आपको जितना चाहिए ना, आपको ये उतना ही जूम करके आपको एक प्रोफाइल इमेज जैसा होता है ना क्रॉपिंग करने में, करने का ये उसी तरह का ही है दोस्तों। आप और यहाँ से दोस्तों आप इमेज को जो है इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं, इधर उधर, मतलब रोटेट ऐसा ऐसा या ऐसा ऐसा आप इमेज को कर सकते हैं इसकी मदद से। उसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शन है दोस्तों, ऑटो जूम, क्रॉप का साइज, क्रॉप का साइज आपको कैसे रखना है दोस्तों, सर्कल रखना है या मतलब दोस्तों यहाँ पर आपको ये देखिए, इसका अगर करेंगे ना तो ऐसा स्क्वायर टाइप का आ जाएगा। अगर आपको स्क्वायर रखना है तो कैसा रखना है दोस्तों, ये ऑटो जूम है, जूम ऑटो और ऑटोमेटिकली ये जूम कर रहा था ना, उसको आप ऑन कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत कुछ ऑप्शन है दोस्तों, ठीक है, बहुत कुछ ऑप्शन है दोस्तों। यहाँ पर जो है ना, जो है बताने में बहुत समय लगेगा दोस्तों। तो आप ये प्रोजेक्ट फाइल्स को दोस्तों, ये प्रोजेक्ट फाइल को आप ट्राई कीजिएगा दोस्तों, आप खुद ही इसको इंस्टॉल कीजिए, डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है दोस्तों, और खुद ही इसको ट्राई कीजिए, देखिए, सीखिए दोस्तों किस तरह का प्रोजेक्ट फाइल है, कैसे बनाया गया है, कोडिंग वगैरह, कस्टम ब्लॉक्स वगैरह आप देखिए, सीखिए, बहुत काम का प्रोजेक्ट फाइल है दोस्तों। और अपना दोस्तों के पास ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।